आसान तरीका है ये है, या तो यहाँ से forms.office.com में चले और ऑफिशियल आईडी से लॉगिन हो जाएंगे, एमएस टीम से लिंक कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। यहाँ असाइनमेंट पे क्लिक कर लें, ये इनडायरेक्ट तरीका है, और एमएस फॉर्म से आप डायरेक्टली जा सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो प्लस कर लें और नेक्स्ट कर लें। इसका सेक्शन आपको आ जाएगा, नीचे आपको क्रिएट नज़र आ रहा है, क्रिएट पे आप क्लिक कर लें, फिर क्विज पे आप क्लिक कर लें, ये फॉर्म्स आपको नज़र आ रहा है। जो क्विजेज आपने क्रिएट किए हुए हैं वो क्विजेज ऑलरेडी क्रिएट किए हुए क्विजेज आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, लेकिन आपने न्यू क्विज क्रिएट करना है तो ये न्यू फॉर्म पे क्लिक कर लें। ये आपको डायरेक्ट करेगा वहाँ पे forms.office पे, यहाँ पे जो क्रिएटेड क्विजेज हैं, मैंने ये क्विज आपने क्लिक नहीं करना, यहाँ पे न्यू क्विज पे आप क्लिक कर लें तो एम्प्टी क्विज आपको नज़र आ जाएगा। ये देखो कुछ भी नहीं है इसमें। आप पॉलिसी के मुताबिक हमने इसमें क्या करना है, टाइटल क्विज पे आप क्लिक कर लें और यहाँ पे पॉलिसी के मुताबिक आपने लिखना है वर्चुअल डायग्नोस्टिक असेसमेंट, यानी VDA आपने लिखना है, फिर आपने लगाना है, फिर जिस सब्जेक्ट के लिए आपने क्विज क्रिएट करना है सब्जेक्ट लिख ले और क्लास लिख ले। फॉर एग्जांपल मैंने साइंस के लिए क्रिएट करना है और क्लास है मेरा 7T। ये जो है पॉलिसी के मुताबिक जो कैंपस है आपका उसी कैंपस को आपने एंटर करना है, जो भी कैंपस हो, फॉर एग्जांपल बन्नू कैंपस है तो बन्नू कैंपस मैंने यहाँ पे एंटर किया, हो गया। इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आपने स्टूडेंट से लेने हैं, स्टूडेंट का नेम आपने पूछना है, उसका क्लास और सेक्शन आपने पूछना है, और उसके बाद रोल नंबर आपने पूछना है। ये इन्फॉर्मेशन आपने गेदर करने हैं स्टूडेंट से, तो उसके लिए आपने एड न्यू पे क्लिक करना है। जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे एक्सपेंड हो जाएगा और डिफरेंट ऑप्शन आप सामने नज़र आ जाएंगे। तो स्टूडेंट को इन चीज़ों का अपने मजीद ख्याल रखना है कि ये एक्स्ट्रा ऑप्शन क्लिक करना है, इस पे क्लिक करेंगे नंबर वन, यहाँ पे आपने स्टूडेंट से नेम गेदर करना है, तो स्टूडेंट को आपने जो है ना इंस्ट्रक्ट भेजना है कि आप नाम एंटर कर लें, एवियर होएगा या नेम एंटर करेगा, या फिर चीज़ों का आपने मजीद ख्याल रखना है कि ये आपने एनेबल करना है। ये मैंडेट फील्ड है, स्टूडेंट लाजमी अपना नाम एंटर करेगा, इसको स्किप नहीं कर सकता स्टूडेंट। आपने जीरो डालने हैं क्योंकि इस फील्ड के कोई पॉइंट्स नहीं होते, ये इंफॉर्मेशन। इसी तरह आपने एंड पे क्लिक करना है और फील्ड एंटर करना है, क्लास जो है वो आपने है क्लास एंटर कर ले और सेक्शन एंटर करें। रिक्वायर्ड है ऑलरेडी एनेबल है और 0.0 ऑलरेडी इंटर है, क्लिक करना है एड और रोल नंबर भी स्टूडेंट पूछना है। आपने एनेबल करना है या 0 पॉइंट्स इंटर करने हैं, ये तीन फील्ड जो है मैंने क्रिएट किए, मैंने एडिटिंग करना है, यू सिर्फ लिखना है और एडिट एडिटिंग बहुत आसान है। ये तीन फील्ड में इंटर के लिए एक आप नीचे क्लिक करना है, जिससे जब आप क्लिक करेंगे ये एड का साइन वहाँ पे नज़र आएगा, वो अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा ना यहाँ पे साइन नीचे क्लिक करूँगा तो एड साइन चाह जाए। इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछे हैं, पेपर क्विज आपका इसके बाद शुरू हो जाएगा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, तो एड पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे आएंगे, ऑन मेन्यू है इस पे क्लिक कर लें। आपने इस क्विज में सेक्शन डालना है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, तो इस सेक्शन पे आप क्लिक करना है, ये जो सेक्शन आपको नज़र आ रहा है इस पे आप क्लिक कर लें और आप लिख लें मल्टीपल चॉइस आप
टाइम आप ले लें, फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट है अकॉर्डिंग टू आवर पॉलिसी या 45 मिनट है, तो आप टाइम स्लॉट भी आप मेंशन कर लें। फॉर एग्जाम्पल 3 मिनट में देना चाहता हूँ। ये प्राइस क्वेश्चन सेक्शन के लिए आप इंटर का चूज बेस्ट आंसर इन द फॉलोइंग। फॉर एग्जाम्पल ऑफ दी आपका हेडिंग हो, इसके बाद आपने क्वेश्चन ऐड करना है। हमारे पास 10 क्वेश्चन, इसके लिए आपने टैग पे नहीं जाना, इस पे क्लिक करना है। चार्ट पे क्लिक कर लें, यहाँ पे आप अपना पहला क्वेश्चन इंटर कर लें। जो क्वेश्चन है आपका, मैं अपने क्वेश्चन यहाँ से इंटर कर लेता हूँ, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, ये वाला मैं इंटर कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन इंटर कर लेता हूँ, पहला ऑप्शन हो गया इस तरह। दूसरा ऑप्शन इंटर कर लेता हूँ, बाई डिफॉल्ट आपके पास ऑप्शन और चौथा ऑप्शन यहाँ से आपने ऐड करना है। ऐड करूँगा तो और ऑप्शन आ जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन मैंने है, चौथा ऑप्शन में ऐड कर लेता हूँ, और ऑप्शन हो गए। ऑप्शन आपको नजर आए, ऑप्शन पे मैं माउस और कर लेता हूँ, माउस ऊपर लेके आता हूँ, तो 3 ऑप्शन मेरे पास आते हैं। जो आपने डिलीट कर सकते हैं, आप कमेंट दे सकते हैं, और या पे जो करेक्ट आंसर होगा उसको आपने चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल का करेक्ट आंसर ये वाला है, तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। बाद आपने करना है, और यहाँ पे पॉइंट है इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, ये आपका क्वेश्चन रेडी होगा। सारा आपने ऐड करना है और क्वेश्चन, चूज पे क्लिक करेंगे तो और क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे। बार बार आपने इस तरह ऐड करना है, 30 क्वेश्चन आपने ऐड करना है, 25 ऐड करने हैं, तो ये आपका क्विज जो है वो रेडी हो जाएगा। इसको आप किस तरह प्रीव्यू कर सकते हैं, आप प्रीव्यू का ऑप्शन है, स्टूडेंट को किस तरह नजर आएगा, नजर आएगा ये ऊपर वीडियो साइंस क्लास 70 बनो कैंपस जिन्हें क्रिएट किया हुआ है वो नंबर ये जाके नहीं जाएगा। मैंडेटरी फील्ड है, लाजमी है, स्टूडेंट नहीं को लाजमी क्वेश्चन सेक्शन पे नहीं जाएगा। मैं अपने स्केड्यूल के मुताबिक, अपने स्केड्यूल के मुताबिक आपने सेटिंग करनी है कि आपका क्विज किस दिन है और किस कौन से टाइम पे है। तो यहाँ कॉर्नर पे आपने जाना है, मोर सेटिंग है, और ये सेटिंग पे आपने क्लिक करना है। इस आपके आपने इसको इस ऑप्शन को रिजल्ट ऑटोमेटिकली स्टूडेंट जो ही आपका क्विज कंप्लीट, ये 3 ऑप्शन ऑन रखने हैं, ठीक है। ऊपर वाला ऑप्शन दूसरी केस के लिए, हमारे पास अगर किसी स्टूडेंट को हमने हमारे पास जो है फीड फॉल्ट होते हैं उसको हम अलाउ करें, या उन्होंने फीस जमा किया हुआ है और फिलहाल उसकी आई क्रिएट नहीं हुई है, तो उसको वो वाला ऑप्शन तब हम ऑन कर सकते हैं। पहले हमने नहीं होना चाहिए, स्टार्ट डेट आपने देना है। फॉर एग्जाम्पल 4 को आप क्विज है तो उसको क्लिक करना है 24, और आप स्टार्ट होता है 11 AM टाइम आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने इन टाइम सेलेक्ट करना है कि इन टाइम क्या है, डेट भी सेलेक्ट करना है 24, इन टाइम जो है ये आधे घंटे से आपने 11:30, ये दोनों के स्टार्ट टाइम इन टाइम में जो डिफरेंस है आपको वाजे नजर आना चाहिए, 30 मिनट डिफरेंस है। इसके बाद क्विज खुद बहुत क्लोज हो जाएगा, स्टूडेंट इसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे, ये लाजमी आपने करना है। और नीचे जो है सेंड ईमेल रिसीव टू रिस्पॉन्डेंट्स, ये भी आपने ऑन करना है। ये सेटिंग करने के बाद करना है, शेयर पे जाना है, क्विज भी आपका रेडी हो गया, डेट और टाइम भी आपने सेलेक्ट किया। अब इस टाइम पे लेकिन शेयर पे आपने जाना है यहाँ पे, और यहाँ से ये जो एड्रेस है इसको आपने कॉपी करना है, यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। टीम्स में आप जाके आप ये कोई अच्छा सा थीम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइंस का क्विज है तो मैं इसका थीम जो है ये दे देता हूँ, साइंस वाला। अब अगर मैं इस प्रीव्यू कर लूँ तो ये बिल्कुल इसी तरह आएगा। स्टूडेंट देखो, जब स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट करेंगे तो फॉर एग्जांपल
क्लिक करेंगे तो उससे ये रिक्वायर्ड फील्ड मांगेगा। अब मैं टाइप करता हूँ एज स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना नाम यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ, ठीक है, क्लास और सेक्शन इंटर कर लेता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला सेक्शन मेरे सामने अपीयर हो गया। टाइम भी अपीयर हो गया 30 मिनट्स मैंने दिए हुए थे, और पहला एक क्वेश्चन मैंने दिया था वो भी एपीआर हो गया। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस पर क्लिक करूँ, अगर कोई गलत क्वेश्चन मैं सेलेक्ट कर लूँ तो मार्क्स 0 होंगे, अगर सही सेलेक्ट कर लूँ उसका आंसर सही ये वाला था, ठीक है, स्टूडेंट जो है इसको सबमिट करेगा। जब स्टूडेंट क्लिक करेगा तो उसके सामने रिजल्ट जो है वो रिजल्ट हो जाएगी उसके सामने। अभी क्योंकि क्विज मेरा जो है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो 24 को स्टार्ट होगा, टाइम 11 है तो उस टाइम स्टूडेंट कर सकते हैं, अभी उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकता, ठीक है। क्विज क्रिएशन, इस तरह आप लोग क्विज आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रखें कि आपने जो है